हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे 2 मीटर कपड़े से हैवी पटियाला सलवार। तो उसकी मार्किंग हम देख लेंगे। तो ये देखिए, 37 इंच हमारी सलवार तैयार है और 6 इंच की हमने इसमें से बेल्ट माइनस की है। तो हमारे पास है 31 इंच और 31 में हमने 1 इंच को प्लस किया है मार्जिन के लिए। तो ये हमारा हो जाएगा 32 इंच और 32 इंच में हमने 10 इंच ऐड किया है आसन के लिए। और तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 42 इंच। तो हम यहाँ पर जो कपड़ा लेंगे वो 42 इंच का ही लेंगे। तो ये देखिए, मैंने 42 इंच का निशान लगाकर कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैंने अलग निकाल दिया है। देखिए, यहाँ पर मैं 42 इंच का निशान लगा लूँगी पूरे कपड़े पर और निशान को सीधा कर लूँगी। और अब हमें क्या करना है, अब हमें नीचे से एक निशान 32 इंच पर लगाना है और इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। ये हमारा पार्ट का निशान है, जहाँ पर हमारे पैंचे बनते हैं वो निशान ये है। तो यहाँ पर हम अब पैंचों का निशान लगाएंगे। तो पैंचे हमारे हैं 6 इंच, तो उसका डबल करेंगे हम, हमारा आ जाएगा 12 और उसमें 1 इंच ऐड करके हम 13 इंच का निशान लगाकर इसको भी सीधा कर लेंगे। और ये हमारा यहाँ पर देखिए 10 इंच आया है, ये हमारा आसन बना है। और दूसरी साइड में भी हम 10 इंच का निशान यहाँ लगा लेंगे। अब हम 1/2 इंच का निशान लगाएंगे यहाँ पर और ऐसे ही हम दूसरी साइड में 1/2 इंच का निशान लगाकर इन दोनों निशान को आपस में एक तिरछी लाइन से मिला देंगे। देखिए, 2 कली हमारी ये बनी है और 2 कली और साथ में 2 पार्ट हमारे ये बने हैं। और जहाँ पर ये बॉक्स बना है, मैंने कट का निशान लगाया है, ये हम सलवार में कपड़ा यूज़ नहीं करेंगे। और एक बार हम अच्छे से इसकी मार्किंग देख लेंगे कि हमारी दोनों साइड से ये इक्वल है या नहीं, और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए, इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए, मैंने बताया ये बॉक्स हमें सलवार में यूज़ नहीं करना है, तो मैंने आसन के साथ इसकी कटिंग कर दी है। देखिए, इस तरह से ऊपर से कपड़ा जो हमारा फोल्ड है इसे भी हम कट कर लेंगे और ये दोनों कपड़े अलग कर लेंगे। देखिए, इस तरह से उल्टी साइड में मैं निशान लगा दूँगी। अब देखिए, हम इसको इस तरह से रखेंगे, इस तरह से हमारी स्टिच होगी, इस तरह से बनेगी हमारी ये सलवार। ये हम बहुत ही कम कपड़े में हैवी पटियाला सलवार बनाने का बिल्कुल सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं। देखिए, सलवार की कटिंग हमारी हो गई है। अब हम जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उससे अपनी बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। तो इसको मैं डबल फोल्ड करूँगी और बेल्ट के लिए मैं 8.5 इंच की लंबाई का निशान लगाऊँगी। 6 इंच की हमारी तैयार बेल्ट है, तो उसमें हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। और हमारा कपड़ा अभी कम है तो मैं फ़िलहाल इसे ऐसे ही कट कर लूँगी और उसके बाद हम नाप कर देख लेंगे। देखिए, ये हमारा 20 इंच के अप्रोक्स आ रहा है, 21 इंच के अप्रोक्स आ रहा है और बेल्ट हमारी है 25 इंच। तो हमें इसमें 4 इंच का कपड़ा जोड़ना है। तो देखिए, जैसे मैंने डबल फोल्ड करके बेल्ट को कट किया था, वैसे ही हम एक कपड़ा लेंगे और यहाँ पर हम 4.5 इंच 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए 4.5 इंच का ये कपड़ा कट करके बेल्ट के लिए काट लेंगे और इसकी लंबाई भी हम 8.5 इंच ही रखेंगे। इस तरह से हम अपने बेल्ट के लिए कपड़ा निकाल लेंगे और बेल्ट की जो हमारी चौड़ाई है वो हम पूरी कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब देखिए, बेल्ट हमारी 25.5 इंच तैयार हो गई है और ये हमारी सिलाई होने के बाद में 25 इंच तैयार होगी। अब मैं अपने पैंचों का कपड़ा निकाल लूँगी। तो सलवार के पैंचे हमारे 2.5 इंच हैं, तो उसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर मैं 4 इंच ले रही हूँ, 4 इंच मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ और चौड़ाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने कपड़े की पूरी चौड़ाई ऐसी ही रख ली है। जितने हमारे पैंचे होते हैं, जैसे हमने 13 इंच के पैंचे कट किए हैं, तो उसमें आप 1-2 इंच एक्स्ट्रा ही इसमें लें। और उसके बाद मैंने 2.5 इंच की ये रबड़ सीट कट कर ली है और इसकी भी लंबाई मैंने जों के त्यों ही रख ली है। अब देखिए, ये हम इस तरह से स्टिच करेंगे, सीधी साइड अंदर की साइड रखेंगे और उल्टी साइड बाहर की तरफ रखते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है, ये कली और पार्ट हमने अटैच कर लिए हैं। अब हम इसका आसन अटैच करेंगे। आसन जोड़ने के लिए कपड़ा हम सीधा रखेंगे। देखिए, उल्टी साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे और सीधी साइड बाहर की तरफ, और दोनों कलियों का रुख, मतलब दोनों कलियों का आसन हम एक साथ जोड़ेंगे। अच्छे से देखिए आप वीडियो में, दोनों कलियाँ मैंने एक साथ जोड़ी हैं और
कलियों वाला पार्ट हम आगे रखते हैं सलवार में। तो ये देखिए ये आसन है और ये सीधी साइड से हम जोड़ेंगे। ये जो यहाँ पर हम सीधी साइड से एक पैर की सिलाई लगाकर इसे जोड़ लेंगे। तो मैं आपको जोड़ कर दिखाती हूँ। पहले देखिए फिलहाल मैं यहाँ पर पिन लगा रही हूँ, ऐसे ही मैं दूसरी साइड में भी लगा लूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। सीधी साइड हम इसकी सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम इसको उल्टी साइड को फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से सीधी साइड सिलाई लग चुकी है हमारी। अब हम इसे देखिए सीधी साइड है ये, हम उल्टी साइड को इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। जहाँ तक हमने सिलाई लगाई थी उससे थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक हम सिलाई में लेकर सिलाई लगा देंगे, तो जिससे कि हमारी वो सिलाई अंदर आ जाएगी और सीधी साइड से फिनिशिंग वाला लुक हमारा आएगा और उल्टी साइड से भी ये सिलाई पैक हो जाएगी। तो इस तरह से हम आसन की सिलाई लगा लेंगे। देखिए ये लगा लिया मैंने, देखिए उल्टी साइड से फिनिशिंग आ रही है और सीधी साइड से भी। अब हम क्या करेंगे, अपनी बेल्ट तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं मशीन पर। तो ये देखिए यहाँ पर हम पहले अपनी बेल्ट का जोड़ लगा लेंगे। उल्टी साइड बाहर रखते हुए और सीधी साइड अंदर रखते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और इसको सिलाई लगाकर जोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे जोड़ लेंगे। अब देखिए सीधी साइड से हम इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे फिनिशिंग के लिए, जिससे हमारा एक अच्छा फिनिशिंग वाला लुक कपड़े में आए। ये देखिए ये हमने लगा लिए है। अब हम अपनी बेल्ट तैयार करेंगे। तो हमने बेल्ट को बीच से फोल्ड कर लिया है। अब देखिए हम यहाँ पर अपनी बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो 6 इंच हमारी बेल्ट तैयार है, तो 6.5 इंच का हम निशान लगाएंगे और 1/2 इंच का निशान हम इस तरह से लगाएंगे और इसके ऊपर हम जहाँ तक हमने 6.5 इंच का निशान लगाया है वहाँ तक हम सिलाई चला देंगे 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से। अब देखिए कब सुई को मैंने फैब्रिक के अंदर ही रखा है और मशीन के पैर को उठाकर यहीं से हमने सिलाई घुमाकर इसे डबल सिलाई लगा दी है। अब देखिए हम इसे ऐसे ओपन करेंगे और इसको अच्छे से प्रेस करेंगे फैब्रिक को और इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाकर अपने बेल्ट का नेफा बना लेंगे। देखिए आप चाहे तो इसे प्रेस भी कर सकते हैं और अच्छी फिनिशिंग इसमें आ जाएगी। मैं फ़िलहाल इसे उंगलियों से प्रेस करके ही कर रही हूँ। ये कॉटन का फैब्रिक है तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अब देखिए दूसरी तरफ भी मैं इसको फोल्ड कर सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। अब हम अपनी सलवार का नेफा बना लेंगे। देखिए जितना ये हमारा ओपन पार्ट है इसे हम बैक साइड में यानी कि उल्टी साइड में इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो ये सीधी साइड से हमारा इसका ओपन पार्ट नहीं दिखेगा, ये सिर्फ उल्टी साइड से ही दिखेगा। इस तरह से हम बेल्ट को रखेंगे और ऐसे फोल्ड करेंगे। पहले थोड़ा 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम जहाँ तक हमारा ओपन पार्ट है वहाँ तक फोल्ड करके इसके ऊपर एक किनारे की सिलाई लगा लेंगे और अपनी बेल्ट का नेफा बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए बेल्ट का नेफा बनकर हमारा तैयार हो गया है। देखिए सीधी साइड से ये इस तरह से है, बिल्कुल भी इसका ओपन पार्ट नहीं दिखेगा, ये सिर्फ उल्टी साइड से दिखेगा। यहीं से हम इसमें नाड़ा या डोरी जो भी आप डालोगे वो डालेंगे। अब हम इसे बिल्कुल बीच से फोल्ड करेंगे और इसके बैक साइड में एक छोटा कट लगा देंगे। अब हम अपने बेल्ट में सलवार को अटैच करेंगे और सलवार में प्लेटें डालेंगे।
देखिए बेल्ट को मैंने सीधा रखा है, सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए आसन की सिलाई सिलाई से मिलाकर, और कली वाला पार्ट हम आगे रखेंगे। मैंने पहले भी बताया था कली वाला पार्ट हमेशा सलवार में आगे रखा जाता है। इस तरह से हम आसन को बिल्कुल सेंटर में रखेंगे बेल्ट के, और यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हम सिलाई लगाकर प्लेट बना लेंगे। तो देखिए पहले हम इस तरह से सेट करेंगे इसको नीडल कपड़े के अंदर लगाकर। अब हम बेल्ट के ऊपर कैंची रख देंगे जिससे कि हमारी बेल्ट सरके नहीं और प्लेट डालने में हमें दिक्कत ना हो। इस तरह से हम बहुत ही आसानी से प्लेटें बना लेंगे। देखिए पहले मैंने एक बड़ी प्लेट बनाई है, थ्रेड कटर से मैं इसे अच्छे से सेट करूँगी और इसके हाफ तक मैंने सिलाई लगाई है, और नीडल को कपड़े के अंदर रखते हुए मैं फुट को उठाकर फिर से थ्रेड कटर से नीडल तक प्लेट को सटाकर फिर से सिलाई लगा लूँगी। देखिए इस बार मैंने पूरी प्लेट में सिलाई लगा दी है, अब अगली प्लेट के ऊपर मैंने सिलाई नहीं लगाई है। इस तरह से आप जो प्लेट बनाते जाएं ये बिल्कुल आसान तरीका है, और इस तरह से प्लेट बनाओगे तो ये बिल्कुल इक्वल बनेंगी, छोटी बड़ी नहीं बनेंगी, और बहुत ही जल्दी बनानी आप सीख जाओगे। देखिए इस तरह से मैं सभी प्लेटें बना लूँगी। अब देखिए जो बैक वाला कट हमने लगाया था बेल्ट में और जो हमारा पीछे का आसन है, उन दोनों को हम एक साथ मिला लेंगे और वहाँ पर एक पिन लगा देंगे जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमारे पास कितना फैब्रिक है जिसकी हमें प्लेटें बनानी है, कम या ज़्यादा हमारा फैब्रिक ना हो। तो ये देखिए मैंने कैंची रख लिया है वहाँ पर बिल्कुल कपड़े को मिलाकर, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मेरे पास है उसके हिसाब से मैं प्लेटें बना लूँगी। मैं सिर्फ एक प्लेट का फैब्रिक बचाऊँगी जिससे मुझे पीछे की साइड में एक प्लेट डालनी है, और बाकी का सारा फैब्रिक मैं आगे वाली प्लेट में ही लगा दूँगी। तो ऐसे करने से आपका काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा और आप अच्छे से अपने काम में फिनिशिंग के साथ में अपना काम कर पाएंगे। तो अब देखिए मैं पिन निकाल कर एक प्लेट बैक साइड में डाल दूँगी, और इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए जिस डायरेक्शन में आपने फ्रंट की प्लेट डाली है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही हम बैक की प्लेट डालते हैं। इस तरह से मैं थ्रेड कटर की हेल्प से इसको सटा कर डाल लूँगी, और अब दूसरी साइड की भी मैं इसी तरह से डालूँगी। देखिए बैक वाली दोनों प्लेट मैंने एक साथ डाल ली हैं, अब मैं इसकी दूसरी साइड में फ्रंट की प्लेटें भी डाल लूँगी। इस तरह से कोई कोई एक साथ ही सारी प्लेटें डाल देता है तो उससे क्या होता है प्लेटें इक्वल नहीं आती हैं। तो अब इसमें क्या होगा, मैं इस तरह से बनाऊंगी तो इसमें बिल्कुल इक्वल प्लेट आएंगी, और मैं आपको काउंट करके भी दिखाऊंगी कि हमारी कितनी प्लेटें आई हैं, और ये आपको देखने से ही पता चल जाएगा एक भी प्लेट छोटी बड़ी इसमें नहीं होगी। और बहुत ही अच्छा लुक इस सलवार का आता है बनने के बाद, जो हमारी पटियाला सलवार है उसका पूरा लुक प्लेट के ऊपर ही डिपेंड करता है कितनी अच्छी हमारी प्लेटें आई हैं। जो हमारी चुन्नटे घूम जो बनते हैं वो प्लेटों से ही बनते हैं, तो इसलिए प्लेट बनाना आप अच्छे से सीखिए, ध्यान से सीखिए और अपनी सलवार को बनाइए। इस तरह से देखिए मैं अच्छे से सटा सटा कर बिल्कुल इक्वल प्लेट अपनी सलवार में डाल लूँगी। प्लेटें देखिए हमारी पूरी डल चुकी हैं, सलवार हमारी लगभग तैयार हो चुकी है। पीछे तक देखिए मैंने सिलाई लगा दी है, और जो पीछे की प्लेट है वहाँ तक सिलाई लगाकर मैं थ्रेड को कट कर लूँगी। ये देखिए यह है इसका सीधा लुक। देखिए इधर हमारी 15 प्लेट आई हैं, और देखिए इधर भी हमारी 15 ही प्लेट आई हैं। देखिए और बिल्कुल इक्वल आपको ये दिखाई भी दे रही होंगी। अब मैं इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लूँगी, मार्जिन जो हमारा है उसे हम ऊपर की साइड रखेंगे और इसके ऊपर स्टिच लगाकर इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको वीडियो में कुछ भी सीखने लायक देखने को मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए मैं सलवार का पाइचा बना लूँगी, तो मैंने ये हाफ इंच नीचे रखा है और बाकी का कपड़ा इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करके मैं यहाँ पर कच्ची सिलाई लगाकर इसे जोड़ लूँगी।
इस तरह से मैंने दूसरा भी बना लिया है। अब देखिए सलवार में रबड़ सीट का पाइचा मैं हमेशा उल्टी तरफ से, यानी कि सलवार को नीचे और पाइचे को ऊपर रख के नहीं बनाती हूँ। मैं बनाती हूँ इसे, सलवार को ऊपर रखती हूँ और पाइचे को नीचे रखती हूँ, जिससे कि हमारा सलवार में बिल्कुल भी झोल ना आए। अगर हमारा झोल आएगा थोड़ा बहुत तो पाइचे में आएगा, सलवार की फिनिशिंग ख़राब नहीं होगी। तो आप अगर आप रबड़ सीट का पाइचा नहीं बना पाते हैं तो आप इस ट्रिक से बना कर देखिए, आपको आसानी होगी बनाने में। तो ये देखिए मैं इसे ऐसे सिलाई लगा कर फोल्ड कर लूँगी, देखिए बिल्कुल भी सलवार में झोल नहीं आया है। और अगर आप पाइचे को ऊपर रख कर सिलाई लगाओगे तो थोड़ा बहुत झोल आपका देखने को मिलेगा, क्योंकि रबड़ सीट दिक्कत करती है पाइचा लगाने में। अब मैं इसके ऊपर यहाँ भी सिलाई लगा लूँगी और पाइचा हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। पाइचा हमारा बन गया है, एक्स्ट्रा जो हमारा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। और देखिए मोरी बनाने का डिज़ाइन मेरे चैनल पे पहले ही अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं वीडियो को, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक दे दूंगी। और मैंने कई तरह के डिज़ाइन अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। अब देखिए 6 इंच का हमारा पाइचा है तो हम सीधा निशान लगाएंगे, लेकिन सिलाई हमें देखिए इस तरह से लगानी है, जैसे मैंने निशान लगाया है इस तरह से लगानी है, तो हमारी सलवार में एकदम अच्छा लुक आएगा। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाकर हम अपनी सलवार को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे इसका फाइनल लुक। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, इससे सरल तरीका आपको कोई और नहीं बताएगा। पटियाला सलवार आप सिर्फ 2 या 2.25 मीटर कपड़े में भी हैवी बना सकते हैं, और ज़्यादा फैब्रिक की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए दूसरी साइड में भी मैंने इसी तरह से निशान लगाकर अपनी सलवार कंप्लीट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसके अच्छे से फोल्ड करके इसमें छोटे छोटे कट लगा लूँगी, जो अंदर मार्जिन है। ये कट लगाने से हमारा क्या होगा, एक तो सलवार में फिनिशिंग दिखाई देगी और ऊपर से हमारी सिलाई के ऊपर जोर नहीं होगा, खींचेगी नहीं सलवार। ये देखिए यह है इसका फाइनल लुक। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।